मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का छठवा इकाई, छठवा यूनिट, और इसका नाम है आपका तत्वों का निष्कर्षण। इसमें हम लोग जो है तत्वों का निष्कर्षण, मतलब पूरा इंडस्ट्रियल मेथड है हमारा, कैसे किस प्रकार से धातु प्राप्त किया जाता है, ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग जो भी सांद्रितायस्क था, उस सांद्रितायस्क का शोधन कैसे, सांद्रितायस्क का उसका धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जैसे निस्थापन क्या है, भर्जन क्या है, ये हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आज उसी कड़ी में आगे जो है हमको जो ऑक्साइड में जो परिवर्तन है वो देखने के पश्चात, हमने किस प्रकार से धातुओं को क्या किया जाता है, उन ऑक्साइडों से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि मतलब हम बोल सकते हैं कि धातु ऑक्साइड से धातुओं को प्राप्त करने का जो विधि है वो हम लोग देख रहे थे। तो उसमें से कुछ हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम उसके आगे देखने वाले हैं, और वो दिया है आपका एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, या बोल सकते हैं इसको सनमाइट विधि, या इसी को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ विधि। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि थर्माइट विधि क्या है या गोल्ड स्मिट विधि क्या है, उसको समझाइए इस प्रकार से। तो ये जो थर्माइट विधि होता है, इस विधि का उपयोग हम तप की स्थिति में करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये जो विधि होता है, इस विधि का उपयोग हम तप की स्थिति में करते हैं जब जो धातु ऑक्साइड या धातु अयस्क के जो ऑक्साइड होता है उसका जो बोल सकते हैं जो गलनांक होता है, वो गलनांक जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में हम जो ये थर्माइड विधि है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये जो थर्माइड विधि होता है उसमें जो कार्बन होता है उसके द्वारा इन धातुओं का अपचयन नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब धातु जो अयस्क के जो ऑक्साइड होता है उनका जब गलनांक क्या होता है, आपका उच्च होता है, और उसका जो है कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता है, जैसे क्रोमियम का हो गया, मैंगनीज का हो गया, तब स्थिति में हम क्या करते हैं, थर्माइट विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है जो बल्कि पढ़ते हैं, और इसके लिए कार्बन की जगह हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम जो क्या होता है उनका हम अपचयन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आपका जो एल्युमिनियम का जो चूर्ण होता है, और साथ में हमारा जो क्या होता है आपका ये धातु के जो ऑक्साइड होता है, उन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, हमारा थर्माइट कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के चूर्ण का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग थर्माइट कहते हैं, और यह जो विधि होता है वो थर्माइट विधि कहलाता है। और थर्माइट विधि में क्या करते हैं हम लोग जो है, जो भी जो धातु ऑक्साइड होता है और जो एल्युमिनियम का जो चूर्ण होता है उसको हम क्या करते हैं, एक क्रूसिबल जो होता है जिसके अंदर क्या होता है, रेत का क्या होता है, हमारा एक परत बिछा रहता है, उस क्रूसिबल में धातु जो ऑक्साइड होता है उसको, और साथ में क्या होता है जो एल्युमिनियम चूर्ण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं, और भरने के पश्चात उसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम का जो फीता होता है या बेरियम पराक्साइड होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, आपका गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है आपका, वहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका क्रोमियम और जो हमारा मैग्नीज है वो क्या हो जाता है, आपका एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके अलग हो जाता है। इस तरीका से इसमें भारी धातु का एक अलग से क्या हो जाता है, आपका नीचे द्रव लिक्विड बन जाता है, और जो उससे हल्का जो धातु होता है उसका ऊपर क्या होता है, अलग से एक परत बन जाता है, जिसे टेपिंग के द्वारा क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और इस तरीका से क्या कर लिया जाता है आपका जो भी क्रोमियम है और मैग्नीज को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये विधि ही क्या कहलाता है, हमारा थर्माइट विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पूरा हमारा थ्योरी है भाई, तो एक बार थ्योरी लिखते हैं और एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए तो चलते हैं, तो लिख सकते हैं इस विधि में जिन धातु अयस्कों के ऑक्साइड का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, तो लिख सकते हैं इस विधि द्वारा, है ना, उन धातु अयस्कों के ऑक्साइडों का निष्कर्षण किया जाता है, उन ऑक्साइडों का निष्कर्षण किया जाता है। तो क्या लिखे, इस विधि द्वारा उन धातु अयस्कों के ऑक्साइडों का निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया
जाता है जिसका गलनांक, जिसका गलनांक उच्च होता है, जिसका गलनांक उच्च होता है और जिसका अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं होता है कार्बन के द्वारा नहीं होता है, जैसे क्रोमियम एवं मैग्नीज। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमियम तथा मैग्नीज, इसलिए इसमें अपचयन के लिए इसमें अपचयन के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड और एल्युमिनियम चूर्ण एल के मिश्रण को थर्माइड कहते हैं। क्वेश्चन यही बन गया, थर्माइड किसे कहते हैं? तो आप क्या बोल सकते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण और धातु ऑक्साइड के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्माइड कहते हैं। तथा इस विधि को थर्माइड विधि कहते हैं। इस विधि में धातु ऑक्साइड और एल्युमिनियम चूर्ण को एक क्रूसिबल, है ना, एल्युमिनियम चूर्ण को एक क्रूसिबल, जिसकी सतह पर रेत बिछा होता है में लेकर मैग्नीशियम के फीता और बेरियम परऑक्साइड के द्वारा जलाते हैं या पिघलाते हैं, है ना, जलाते हैं या पिघलाते हैं, जिससे भारी धातु के द्रव क्रूसिबल में नीचे और, है ना, भारी धातु के द्रव नीचे और एल्युमिनियम ऑक्साइड ऊपर, है ना, तैरता रहता है जिसे डैम्पिंग के द्वारा अलग कर लिया जाता है,
जिसे डेपिंग के द्वारा, टेपिंग है ना, के द्वारा अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया, अलग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो थर्माइट विधि होता है उस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब धातु अयस्कों के ऑक्साइड का निष्कर्षण तब करते हैं जब उसका गलनांक क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, और कार्बन के द्वारा उसका अपचयन नहीं होता है। जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और इसका अपचयन जो होता है वो कार्बन के द्वारा नहीं किया जाता है, तब स्थिति में हम लोग थर्माइट विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कार्बन के जगह हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रोड है उसको अपचयन के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जो धातु ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम का जो चूर्ण होता है उनको मिश्रण को थर्माइट कहते हैं, और ये जो विधि होता है वो थर्माइट विधि कहलाता है। इस विधि में धातु ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो चूर्ण होता है उस चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, क्रूसिबल जो होता है, एक पात्र होता है, उस पात्र में हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और लेने के पश्चात जिस पात्र में क्या होता है, रेत बिछा रहता है निचली सिरे पर, फिर उसको मैग्नीशियम के फीता हो गया, बेरियम परऑक्साइड द्वारा क्या करते हैं, जलाते हैं, ज्वलनशील करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है, और फिर भारी जो धातु होता है जिसको हम लोग को प्राप्त करना है वो क्रूसिबल के नीचे स्तर पर, और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो ऊपरी स्तर पर क्या होता है, तैरता रहता है, और फिर जो अशुद्धियाँ होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसको क्या कर लिया जाता है, आपका पृथक कर लिया जाता है, और आपका जो है क्रोमियम और मैंगनीज क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ में दो क्रोमियम क्या हो जाता है, आपका पृथक हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, दो क्रोमियम पृथक हो गया, और इधर से क्या हो जाता है हमारा, Al2O3 प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में हम इसका मात्रा कितना ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन कितना है हमारा, तीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीका से आपको यहाँ से क्रोमियम क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, अगर हम एल्युमिनियम देखें तो पुनः क्या हो जाता है, यहाँ से आपका Mn प्राप्त हो जाता है, और साथ में आपका एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो प्राप्त हो जाता है। बट ऑक्सीजन इधर हमारा कितना है, हमारा दो है, उधर आपको तीन दिख रहा है, तो इसको कितना कर देते हैं, तीन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, तीन अगर कर दिया जाए तो तीन दूनी कितना हो गया हमारा, छः हो गया, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं, दो कर देते हैं, तो दो तीन छः हो जाता है, और दो दोने चार हो जाता है। तो इस तरीका से मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम क्या कर देता है आपका, अपचयित कर देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अपचयन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, और इस तरीका से आपको मैग्नीज भी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये विधि आपका थर्माइट विधि कहलाता है। तो ये क्वेश्चन मान लो आ गया कि थर्माइट विधि किसे कहते हैं, गोल्ड स्मिथ विधि किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इस विधि के द्वारा जो है उन धातु अयस्कों को या उन धातु अयस्कों के ऑक्साइडों का जिनका गलनांक क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, जिसका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं होता है, जैसे क्रोमियम मैग्नीज, इन धातुओं का क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा पृथककरण किया जाता है। इसमें अपचयन के लिए एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रोड होता है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से एल्युमिनियम का चूर्ण होता है और जो धातु ऑक्साइड होता है उन दोनों का जो मिक्सचर होता है थर्माइट कहलाता है, और ये जो हमारा विधि होता है वो थर्माइट विधि कहलाता है। इसके लिए क्या होता है, इस प्रकार से क्रूसिबल होता है, इस क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, जो धातु ऑक्साइड होता है इस धातु ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम का चूर्ण लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या होता है, फीता लगा होता है। अब इन दोनों को लेने के पश्चात यहाँ पर मैग्नीशियम के फीता द्वारा इसको गर्म करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के पश्चात जो भारी धातु होता है, ये भारी धातु क्या होता है, नीचे द्रव के रूप में पाया जाता है, और जो एल्युमिनियम के साथ जो निकल गया है वो ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को टेपिंग के द्वारा क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, और इस तरीका से फिर क्या हो जाता है, नीचे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो द्रव क्या होता है आपका, क्रोमियम का, या तो क्या होता है आपका, मैग्नीज का होता है। तो यह विधि आपका क्या कहलाता है, थर्माइट विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसको आपको इस तरीके से क्या करना है, लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तब की बात है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। तो थ्योरी है भाई, थोड़ा सा आपको भी क्या करना पड़ेगा, समझ के लिखना पड़ेगा और सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं,
आगे हमारा दिया है एक और विधि, हमारा विद्युत अपघटनी क्या दिया है, हमारा अपचयन दिया है। ये जो जो अपचयन होता है वो तब की कंडीशन में होता है, जैसे हमारा क्या होता है, कुछ हमारा जो धातु के अयस्क होते हैं या धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जिसमें उच्च धन विद्युती जो क्या होता है हमारा धातु होता है, जैसे हमारा बोल सकते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे जो उच्च धन विद्युती जो क्या होते हैं धातु होते हैं, और जिनका जो निष्कर्षण होता है वो निष्कर्षण क्या होता है आपका कार्बन के द्वारा नहीं होता है। मान लो इसके लिए अति ताप की आवश्यकता होता है, तो उस स्थिति में वो कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बाइड बना लेता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे उच्च धन विद्युती जो धातु होता है उस धातु को क्या किया जाता है, एक अलग से माध्यम के द्वारा पहले क्या किया जाता है, पिघला लिया जाता है या पिघली अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, और उसके पश्चात उसमें क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड डुबा के क्या कर दिया जाता है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका जो भी उस जो अयस्क है, धातु का अयस्क है या धातु का ऑक्साइड है, वो क्या होता है आपका इस प्रकार से पृथक हो जाता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं विद्युत अपघटनी में कि इस विधि के द्वारा जो अधिक धन विद्युती क्या होता है हमारा जो तत्व होता है, अधिक धन विद्युत तत्व होता है जिसका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं होता है, या जिसका अपचयन के लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता होता है, जिससे वो कार्बन के साथ धातु कार्बाइड बना लेता है और हमको जो है वो धातु के रूप में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे धातुओं के पृथककरण के लिए ये जो विधि है उपयोग किया जाता है। ऐसे धातु के अयस्कों को है ना, या उनके जो अयस्क होते हैं उनको पिघली अवस्था में लिया जाता है, और उसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोड पर जो है एनोड और कैथोड पर अलग अलग क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस विधि में, इस विधि द्वारा द्वारा उन धातु अयस्कों का इस विधि द्वारा उन धातु अयस्कों का धातु अयस्कों का क्या किया जाता है भाई, पृथक्करण किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है जिसकी धन विद्युती गुण क्या होता है हमारा, अधिक होता है, धन विद्युती गुण अधिक होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, आदि, कैल्शियम आदि। तो हमने क्या लिखा है, इस विधि द्वारा उन धातु अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है जिसकी जो है आपका धातु अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है, या अयस्कों से धातु का पृथक्करण किया जाता है जिसकी धन विद्युती क्या होता है, अधिक होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि, है ना। तथा जो है ना, और जो लिख सकते हैं, और जिसका अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तथा जिसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होता है, उच्च ताप की आवश्यकता होता है, लेकिन उच्च ताप पर धातु कार्बन के साथ कार्बाइड बना लेता है, इसलिए इसलिए
इन धातुओं का पृथक्करण करने के लिए इनके या इसके अयस्कों को पिघली अवस्था में प्राप्त कर उसमें इलेक्ट्रोड डुबाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत धारा प्रवाहित करने से धातु कैथोड में प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये जो विद्युत अपघटनी विधि होता है, ये जो विधि होता है वो अधिक धन विद्युती जो क्या होता है हमारा जो तत्व है, अधिक धन विद्युती वाला जो धातु है उसको पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिनका अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं होता है। साथ ही साथ इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होता है, और अगर उच्च ताप पर अगर क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो फिर वो धातु कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बाइड बना लेता है, और इससे आपको जो है धातु की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए इन धातुओं को जो है अन्य माध्यम से पहले पिघली अवस्था में क्या किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, और प्राप्त करने के बाद उनमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जो कैथोड होता है उस पर धातु क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस तरीका से धातु हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है हमारा, जैसे हमको सोडियम क्लोराइड से क्या करना है, सोडियम धातु को प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सोडियम हमारा क्या होता है, जो क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है भाई, NaCl होता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पिघला करके पिघली अवस्था में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं, इसके पिघली अवस्था जो मिला है उसमें दो एक इलेक्ट्रोड क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें से एक जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि आगे अगर हम उसको क्या करते हैं, बैटरी से अगर जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में वो जिस सिरे से जुड़ता है बैटरी के, वो जिस सिरा से क्या करता है, जुड़ता है, मान लो ये प्लस वाला सिरा से जुड़ा है तो एनोड हो जाता है, और ये माइनस वाला भाग क्या होता है हमारा, कैथोड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये हमारा कौन सा होता है भाई, हमारा कैथोड होता है। अब ये कैथोड है और एनोड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर जो NaCl होता है, ये NaCl क्या होता है हमारा, दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, एक प्लस आयन और Cl क्या होता है आपका, माइनस आयन होता है। क्योंकि जो प्लस वाला होता है वो किधर की ओर जाता है, माइनस की ओर जाता है, और माइनस वाला होता है वो किधर जाता है, प्लस की ओर जाता है। क्योंकि धातु हमारा कौन है, सोडियम है, इसलिए माइनस प्लस वाला होता है तो माइनस की ओर, और क्लोरीन जो है माइनस है वो प्लस की ओर जाता है। तो इस तरीका से जो कैथोड होता है, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा भाई, कैथोड माइनस चार है, तो यहाँ पर सोडियम मुक्त होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर कैथोड पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम जो कि प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, और ये आपका सोडियम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एनोड की बात करें तो एनोड में कौन सा जाएगा हमारा, क्लोरीन माइनस चार्ज है, तो क्लोरीन किधर जाएगा, प्लस चार्ज की ओर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये क्लोरीन माइनस चार्ज होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, और ये Cl बनाता है। बाद में क्या होता है, दो Cl क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ता है, और Cl2 में क्या हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीका से हमको धातु क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है, आपका थर्माइड विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये हो गया थर्माइड विधि बोलता हूँ, विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि क्या होगा भाई, तो विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग हम तब करेंगे
जब हम क्या करते हैं, जो धातु होता है वो अधिक धन विद्युती होता है, साथ ही साथ जब उसका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं होता है, साथ ही साथ अपचयन के लिए हमको उच्च ताप की आवश्यकता होता है, तब जाकर के इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, उस धातु के जो भी अयस्क होता है उसको पिघलाया जाता है, पिघला करके इस प्रकार से पात्र में ले करके उसमें विद्युत धारा जब क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो धातु जो है प्लस होने के कारण वो माइनस अर्थात कैथोड पर जाके क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है, और इस तरीका से आपको धातु क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका विद्युत अपघटनी अपचयन के नाम से जाना जाता है, विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। तो कितना विधि हो गया हमारा, दो विधि। इससे पहले जो विधि पढ़े थे वो थर्माइट विधि है, और ये हो गया आपका विद्युत अपघटनी विधि जो होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं, और भी है बट हम जो मेन मेन है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये स्व हमारा जो अपचयन है उसको नहीं देखना है हमको, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। हम किसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हाइड्रो धातु कर्म के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हाइड्रो धातु कर्म क्या होता है, तो ये जो हमारा विधि होता है, हाइड्रो जो धातु कर्म विधि होता है, उस विधि का जो क्या होता है, आपका जो उपयोग होता है वो आप कब बोल सकते हैं कि जो कम धन विद्युती जो धातु होता है वो अधिक धन विद्युती धातु के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है ये जो विधि है उपयोग लाया जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रो धातु कर्म विधि जो है वो अधिक धन विद्युती जो धातु होता है उसके द्वारा कम धन विद्युती जो धातु होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। इस पर क्या करता है, आधारित होता है, या इस अंतर पर क्या होता है, आधारित होता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी हमारा कम धन विद्युती जो क्या होता है, जो धातु होता है, उसको पहले क्या किया जाता है, उसको द्रव अवस्था में क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और द्रव अवस्था में प्राप्त करने के बाद, द्रव अवस्था में प्राप्त करने के बाद जब उसमें क्या किया जाता है, उच्च बोल सकते हैं धन विद्युती वाला कोई धातु मिला दिया जाता है, तो उच्च धन विद्युती वाला धातु उसको क्या करता है, आपका कम धन विद्युती वाला धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, और इस तरीका से हमको धातु क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह विधि उन है ना, वो यह विधि अधिक अधिक धन विद्युती अधिक धन विद्युती धातु द्वारा कम धन विद्युती धातु को प्रतिस्थापन है ना करने के आधार पर होता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है अधिक धन विद्युती धातु कम धन विद्युती धातु को प्रतिस्थापन पर क्या होता है, आधारित होता है, प्रतिस्थापन पर आधारित होता है, पर क्या होता है भाई हमारा, आधारित होता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो हाइड्रो धातु कर्म जो विधि होता है, यह विधि अधिक धन विद्युती धातु द्वारा कम धन विद्युती धातु को प्रतिस्थापन पर क्या होता है, आधारित होता है। इसके लिए कम धन विद्युती धातु के अयस्क को पिघली अवस्था में प्राप्त करके उसमें अधिक धन विद्युती धातु मिलाकर कम धन विद्युती धातु को
प्राप्त की जाती है। तो ये जो हाइड्रो धातु कर्म जो विधि होती है, ये हाइड्रो जो धातु कर्म विधि होती है उसमें क्या की जाती है कि ये जो विधि होती है वो धन विद्युति जिसका अधिक होती है और एक धन विद्युति जिसका क्या होती है आपकी कम होती है, तो उन दोनों में प्रतिस्थापन के आधार पर जो है क्या होता है आधारित होती है। मतलब कम धन विद्युति धातु को अधिक धन विद्युति जो धातु है वो क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो इस विधि का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। इसके लिए कम धन विद्युति धातु को किसी तरीका से उसको जो है पिघली अवस्था में प्राप्त की जाती है, फिर उसके बाद उसमें अधिक धन विद्युति धातु मिला करके कम धन विद्युत धातु को क्या कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है, की जाती है। इसके लिए जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है हमारा कॉपर, ये कार्बोनेट होता है, ये हमारा क्या होता है कॉपर के कार्बोनेट होता है, साथ में क्या होता है यहाँ पर कॉपर के हाइड्रोक्साइड होता है, और ये मेलेकाइट होता है भाई हमारा, मेले क्या होता है काइट होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ से अगर इसको गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है आपका दो ठो यहाँ से क्या मिल जाता है कॉपर मिल जाता है, साथ में आपका क्या मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और साथ में आपका वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम एक धातु के क्या लेते हैं अयस्क लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो धातु हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो धातु होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एक ऐसे माध्यम जिसमें घुलनशील हो, जैसे इसमें हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से घोल देते हैं, तो ये आपको क्या हो जाता है यहाँ से कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाता है। अब जो कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट में हम क्या करते हैं उससे अधिक जो क्या होता है हमारा जो अधिक धन विद्युति वाला धातु आयरन क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, तो आयरन क्या करता है कॉपर को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है, और इस तरीका से क्या हो जाता है ये आपका आयरन सल्फेट, आयरन क्या हो जाता है आपका सल्फेट Fe SO4, और साथ में क्या हो जाता है आपका कॉपर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से ये आपका जो हाइड्रो धातु कर्म जो विधि है उसको बता सकते हैं। तो हाइड्रो धातु कर्म विधि क्या होता है भाई, तो हाइड्रो धातु कर्म विधि एक ऐसा विधि है जो आपका धातुओं के धन विद्युति जो गुण होता है, एक में कम धन विद्युति गुण और एक में अधिक धन विद्युति गुण पाया जाता है, उसके अंतर पर क्या होता है आधारित होता है। इसके लिए कम धन विद्युति जो भी धातु होता है उसको पिघला करके पिघली अवस्था में क्या कर लिया जाता है, इस प्रकार से प्राप्त कर लिया जाता है, द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, फिर उसमें एक ऐसा धातु जो कि उसके धन विद्युति गुण से ज़्यादा होता है मिला देते हैं, तो कम धन विद्युति धातु क्या हो जाता है इस तरीका से पृथक हो जाता है, और आपको जो है वो धातु जो है प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है आपका, ये जो है हाइड्रो आपका प्रक्रम के या धातु क्रम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीका से इस प्रक्रम को भी आप क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं चलते हैं। मलगम प्रक्रम उतना खास नहीं है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं धातुओं का शोधन, क्या देखते हैं भाई धातुओं का शोधन। अब हम इससे पहले जो देख रहे थे वो सब क्या था, धातु प्राप्त करना था। हमने बहुत सारे विधियों से धातु प्राप्त कर लिया, जैसे थर्माइट विधि के द्वारा धातु प्राप्त किया, उसके बाद विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा धातु प्राप्त किया, उसके बाद हम लोग जो हाइड्रो धातु कर्म विधि के द्वारा क्या किया धातु प्राप्त किया। अब हम क्या करते हैं धातुओं का क्या देखते हैं शोधन देखते हैं, शुद्धिकरण। मतलब जो धातु मिला हुआ है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, उनको हमको क्या करना है आगे शुद्धिकरण करना है, उनको हम शुद्ध करना है, तो उसको हमको आगे यहाँ पर क्या करना है पढ़ना है। वैसे आपके बुक में बहुत सारा शोधन की क्या दिया है विधि दिया गया है, बट वो सभी विधि इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ विधि हम क्या करने वाले हैं यहाँ से देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आपको क्या कर सकते हैं प्रश्न कर सकता है। तो चलिए कौन कौन से शोधन की क्या दिया है विधि दिया गया है, तो एक तो हमारा विद्युत अपघटनी शोधन होता है, ये भी एक आपका विधि होता है। विद्युत अपघटनी शोधन में अभी जैसे मैं बताया वो इसी प्रकार का है, जैसे हमारे पास क्या होता है कोई भी जो धातु मिला है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या है अशुद्धियाँ हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं उस धातु को लिक्विड अवस्था में पहले क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के पश्चात उसमें हम क्या करते हैं इस प्रकार से दो क्या लगा देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात जब इसमें क्या करते हैं हम लोग विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, एक प्लस है मान लो और एक क्या है
माइनस है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी धातु रहता है वो धातु प्लस चार्ज वाला होता है, और प्लस चार्ज होने के कारण वो क्या करता है आपका कैथोड में क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, और हमको धातु क्या हो जाता है शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है, बाकी अशुद्धियाँ यहीं पर क्या हो जाता है रुक जाता है। तो ये होता है हमारा धातुओं का विद्युत अपघटनी शोधन, जो उतना खास नहीं है, हमको देखना है अच्छा से वो है हमारा मंडल परिष्करण। ठीक है, क्या देखना है हमको मंडल परिष्करण, इसको आपको क्वेश्चन कर सकता है 2020 है उसमें आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है उसमें ये क्वेश्चन किया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये हमको देखना है मंडल परिष्करण होता क्या है। मंडल परिष्करण जो होता है ये जो हमारा विधि होता है, इस विधि के द्वारा अति बोल सकते हैं शुद्ध जो है अवस्था में या अति शुद्ध प्रकार के धातु क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है, या अति शुद्धतम धातु इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मंडल परिष्करण जो विधि होता है इस विधि के द्वारा अति शुद्धता युक्त क्या होता है धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका बोल सकते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ऐसे हमारे धातु यहाँ से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो धातु होते हैं जिनमें अशुद्धियाँ होता है उनको दूर करने के लिए इन धातुओं का इस प्रकार से क्या बना लिया जाता है रॉड टाइप का क्या कर लिया जाता है बना लिया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है धातु के अलावा अशुद्धियाँ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है धातु के अलावा अशुद्धियाँ भी पाया जाता है। उसके पश्चात हम क्या करते हैं धातु का इलेक्ट्रोड बना के हम क्या करते हैं उसमें हीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई हम लोग हीटर लगाते हैं, और हीटर को लगाने के पश्चात हम इस धातु के यहाँ से यहाँ ऐसे करके उसको खिसकाते जाते हैं। क्या करते हैं खिसकाते जाते हैं, तो हीटर से जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या करते जाता है आपका ये जो हमारा जो अशुद्धियाँ होता है ना ये अशुद्धियाँ इस प्रकार से क्या होते जाता है आपका इस तरफ पीछे खिसकते जाता है, और धातु पिघल पिघल के क्या करते जाता है आपका नीचे कलेक्ट होते जाता है, और इस तरीका से धीरे 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 पूरा हीटर को अगर क्या करते जाते हैं हम लोग धीरे धीरे घुमाते जाते हैं तो जितना भी धातु होता है नीचे पिघल करके क्या हो जाता है कलेक्ट हो जाता है, बाद में उसको जो है क्या कर लिया जाता है शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है या शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है आपका मंडल परिष्करण कहलाता है। कहने का मतलब मेरा यही है कि मंडल परिष्करण क्या होता है इस विधि के द्वारा अति शुद्धतम धातु प्राप्त किया जाता है। तो लिख सकते हैं इस विधि के द्वारा अति है ना शुद्धतम धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्धतम धातु प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि द्वारा क्या किया जाता है यदि शुद्धतम धातु प्राप्त किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया आदि है ना, जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। यह विधि अशुद्धियों के गलित यह विधि अशुद्धियों के गलित अथवा ठोस अवस्था में विलयता के अंतर पर आधारित होता है। तो हमारा क्या होता है ये जो विधि होता है इस विधि के द्वारा अति शुद्धतम धातु प्राप्त किया जाता है, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जिसका उपयोग अर्धचालक में किया जाता है। इस विधि में अशुद्धियों की यह जो विधि है वह अशुद्धियों की गलित अवस्था अथवा ठोस अवस्था में विलयता के अंतर पर आधारित होता है। इस विधि के द्वारा या इस विधि में जिस धातु का शोधन करना होता है
उसका उसका एक रॉड या एक छड़ बना लेते हैं, उसका एक छड़ या रॉड बना लेते हैं हम लोग, उसका एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते हैं, उसका एक छड़ या हम बोल सकते हैं रॉड बना लेते हैं और फिर उस रॉड के एक सिरे पर हीटर लगाकर गर्म करते हैं। एक सिरे पर क्या लगाते हैं, हीटर लगा के गर्म करते हैं, जिससे धातु पिघल कर अलग से प्राप्त हो जाते हैं और हमें शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो हमारा विधि है, पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि जो मंडल परिष्करण विधि होता है, ये विधि तब उपयोग में किया जाता है जब हमको अति शुद्ध धातु की आवश्यकता होती है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, जो कि एक ऐसा धातु होता है जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। और इस प्रकार का जो बोलते हैं विधि में जो भी क्या होता है, हमारा शुद्धि होता है उसका गलित अवस्था या ठोस अवस्था में विलेयता के आधार पर आधारित होता है। इस विधि में जिस धातु का शोधन करना रहता है, पहले उसको ठोस अवस्था में एक रॉड के रूप में क्या करते हैं हम लोग, प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के बाद ये जैसे हम लोग क्या किए, उसको रॉड के रूप में इस तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के पश्चात, चूँकि इस रॉड में क्या होता है, आपका शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ दोनों होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग, हीटर लगा देते हैं। और हीटर लगाने के पश्चात इसको क्या करते हैं, आपका क्रमशः धातु के एक सिरा से क्या करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, आपका जो धातु होता है वो धातु क्या हो जाता है, आपका पिघल जाता है, और पिघल करके क्या होता है, आपका इस प्रकार से नीचे गिरते जाता है। और आपका जो भी अशुद्धियाँ होता है, जो कि उस ताप पर नहीं पिघलता है, वो इस प्रकार से क्या करते रहता है, आपको इस प्रकार से पीछे होते जाता है। ये वाला पिघल गया, ये अशुद्धियाँ पीछे हो गया, फिर ये पिघल गया, अशुद्धियाँ पीछे हो गया, और इस तरीका से अंत हमको क्या हो जाता है, आपका जो है धातु जो है अलग और अशुद्धियाँ अलग से प्राप्त हो जाता है, और हमको शुद्ध अवस्था में धातु क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका मंडल परिष्करण कहलाता है। तो ये विधि आपसे क्वेश्चन किया है, तो अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ये एक निश्चित ताप पर क्या होता है, संचालित होता है, है ना, यह एक निश्चित ताप पर संचालित होता है, निश्चित ताप पर निर्भर करता है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया धातुओं का शोधन, और आपके बुक में बहुत सारा शोधन दिया गया है, बट उतना उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम मंडल परिष्करण को देखेंगे, बाकी वर्ण लेखन विधि और भी है जो क्वेश्चन के तौर पर आपको नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है भाई। आगे हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय, क्या देखते हैं हम लोग, सामान्य परिचय किसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर एल्युमिनियम के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग एल्यूमिनियम, ये हमारा जो है क्या है, धातु है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं एल्युमिनियम के बारे में। अब ये जो एल्युमिनियम होता क्या है, तो भाई आप जानते हैं एल्युमिनियम का अगर हम संकेत की बात करें तो क्या होता है, हमारा Al होता है। ये आपका कौन सा समूह का तत्व है भाई, ये हमारे 13वें समूह का क्या है, हमारा तत्व है। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी क्या करते हैं, प्राप्ति की बात करते हैं, प्राप्ति की अगर हम बात करें, तो ये सब चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर प्राप्ति देखें, तो प्राप्ति में क्या होता है, हमारा
ये जो एल्युमिनियम होता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि एल्युमिनियम ऐसा धातु है जो प्रकृति में धातु की स्थिति में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु प्रकृति में सबसे अधिक होता है, ठीक है। एल्युमिनियम धातु प्रकृति में है ना क्या होता है, सबसे अधिक होता है प्रकृति में, सबसे क्या होता है भाई, अधिक होता है, अधिक होता है या पाया जाता है। मैं आपको शुरू में भी बताया था भाई, तो पाया जाता है ना। पहले नंबर पर तो वैसे ऑक्सीजन है, बट वो धातु नहीं है, ठीक है। धातु में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई धातु है तो वो धातु क्या होता है हमारा, ये एल्युमिनियम है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। अब ये जो धातु होने की वजह से ये मुक्त अवस्था में कम, संयुक्त अवस्था में ज़्यादा होता है। तो आपके बुक में बहुत सारा संयुक्त अवस्था में जो है ये दिया गया है, एल्युमिनियम का संयुक्त अवस्था की अगर हम बात करें, इस अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपको एक क्या बताए थे हम लोग, क्रायोलाइट बताए थे, क्रायोलाइट जो होता है इस अवस्था में क्या होता है, आपका एल्युमिनियम देखने को मिलता है। इसका जो फार्मूला है वो Na3AlF6 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट कहते हैं, जिनमें एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बॉक्साइट, बॉक्साइट ये जो बॉक्साइट होता है इसमें आपका एल्युमिनियम होता है, इसका फार्मूला Al2O3 2H2O होता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या देता है, एल्युमिनियम देता है। तो इस तरीका से हम एल्युमिनियम के जो भी संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले अयस्कों को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन है हमारा, बॉक्साइड है, जो कि आपका फार्मूला के तौर पर Al2O3 2H2O के रूप में लिखा जाता है, या बॉक्साइड का ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका, ये जो क्या बोलते हैं आपका एल्युमिनियम का सामान्य परिचय। ये सब क्वेश्चन अगर हम देखें तो एल्युमिनियम का फार्मूला संकेत Al होता है, 13वें समूह का क्या है, तत्व है। ये प्रकृति में धातु के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में बात करें तो ये बहुत सारे अयस्कों के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, जिसमें आपका क्रायोलाइट जो होता है वो हो गया, बॉक्साइट हो गया, और भी आपके बुक में बहुत सारा क्या दिया है, अयस्क दिया गया है, उस रिम में आपका क्या होता है, एल्युमिनियम प्रकृति में पाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। आगे यहाँ पर दिया है निष्कर्षण, निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब होता है एल्युमिनियम को उनके अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये हमारा क्या होता है, निष्कर्षण होता है। जैसे आप कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जिसे हम बॉक्साइड बोलते हैं, ये अयस्क के रूप में पाया जाता है। ये किस रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो इन अयस्क से, इन अयस्कों से धातु अर्थात एल्युमिनियम किस तरीका से प्राप्त किया जाता है, यही आपका क्या होता है, निष्कर्षण होता है। मतलब एल्युमिनियम को उनके अयस्कों से किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, ये आपका निष्कर्षण कहलाता है। और यहाँ पर निष्कर्षण के कुछ विधियाँ दिया गया है, उन विधियों को हमको क्या करना है, आगे पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर निष्कर्षण के कुछ विधि दिया गया है, यहाँ पर दिया है जैसे बॉक्साइट का शोधन दिया है, फिर आपका क्या दिया है, सूखी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्थापन दिया है, आर्द्र एल्युमिनियम का विद्युत अपचयन, ये कुछ आपका दिया गया है। तो निष्कर्षण कई विधियों में क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे पहले वही है, सबसे पहले आपका क्या करना जो है, बारीक पीसना, तोड़ना, फिर अयस्कों का सांद्रण करना, फिर आगे आपका उसका क्या करना, ऑक्साइड बनाना, ये वगैरह वगैरह दिया है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। और इसमें पहला जो दिया है विधि, वो आपका दिया है हाल विधि। क्या दिया है हमारा, हाल विधि। इस तरीका से हमको क्या करना है, इसको बताना है कि हाल विधि क्या है, ये आपके बुक में क्या किया गया है, दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग, कौन सा विधि, हाल विधि क्या है, किस प्रकार से उसको देखते हैं। ये जो हाल विधि होता है, ये आपका पहला विधि दिया गया है। ये हाल विधि आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो कि बॉक्साइड से हम बोल सकते हैं, जो एल्युमिनियम होता है या एल्युमिना होता है उसको अलग से क्या किया जाता है, यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हाल विधि क्या होता है, हाल विधि एक प्रकार से अब सांद्रण की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनमें कुछ अशुद्धियाँ होता है उसको क्या किया जाता है, एल्युमिनिया जो हमारा बॉक्साइड होता है उससे दूर किया जाता है। तो सांद्रण का प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हाल विधि क्या है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। हाल विधि क्या होता है, जब जो बॉक्साइड होता है उस बॉक्साइड में यदि क्या होता है आपका आयरन का
और उसके अलावा आपका बोल सकते हैं आयरन के अलावा जो सिलिका होता है, इसका जब क्या होता है अशुद्धि क्या होता है आपका पाया जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं हाल विधि का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी बॉक्साइट होता है उस बॉक्साइट को बारीक क्या करते हैं हम लोग पीस लेते हैं, और पीसने के पश्चात उसको हम क्या करते हैं आपका ये जो बॉक्साइट पीसने के पश्चात उसको सोडियम जो हमारा कार्बोनेट होता है उस सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला करके उसको क्या करते हैं पिघलाते हैं। पिघलाने से क्या होता है आपका एलुमिनिया जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जिससे क्या बनता है आपका सोडियम मेटा एलुमिनेट बनता है, और साथ ही साथ पिघलाने से क्या होता है आपका जो अशुद्धियाँ हो पिघलता नहीं है, जिनको पृथक कर लिया जाता है। अब पिघली हुई जो भी अयस्क होता है उस अयस्क को पानी के साथ क्या किया जाता है पहले धो दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है वो पानी में घुल जाता है, बाकी जो अशुद्धियाँ होता है वो बच जाता है, जिसको छान के पृथक कर लिया जाता है। अब जो भी क्या होता है हमारा पानी में घुले हुए जो अयस्क होता है उनको प्राप्त करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से वहाँ से आपका क्या होता है आपका एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड क्या होता है प्राप्त होता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बाद में एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसको बाद में सुखा करके क्या कर लिया जाता है आपका जो है एल्युमिना के ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है या ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। यही विधि क्या कहलाता है आपका हाल विधि कहलाता है, हाल विधि कहते हैं। तो थ्योरी थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं। जब जब बॉक्साइड के अयस्क में जब बॉक्साइट के अयस्क में आयरन आयरन और सिलिका की अशुद्धि अशुद्धि या पाई जाती हैं तो क्या लिखे, जब बॉक्साइट के अयस्क में आयरन व सिलिका की अशुद्धियाँ पाई जाती है तो उसके पृथककरण के लिए पाई जाती है तो उसके पृथककरण के लिए हाल विधि का उपयोग की जाती है। हाल विधि का उपयोग की जाती है किसका प्रयोग की जाती है, हाल विधि का उपयोग की जाती है। इसके लिए बॉक्साइट अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर भट्टी में पिघलाई जाती है। बॉक्साइट उभयधर्मी या एल्युमिनियम उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्मुना उभयधर्मी या बॉक्साइट उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण एल्युमिना ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के कारण सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर सोडियम मेटा एल्युमिनेट
एलुमिनेट का निर्माण करती है या बनाती है। मेटा एलुमिनेट बनाती है, मेटा एलुमिनेट बनाती है, मेटा एलुमिनेट बनाती है तथा अशुद्धियाँ जो है क्या हो जाती है, अवक्षेप के रूप में रह जाती है, तथा अशुद्धियाँ है ना अवक्षेप के रूप में रह जाती हैं, अवक्षेप के रूप में बच जाती हैं, रह जाती हैं, जाती हैं। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से धो देते हैं ना, इसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से धोने पर वह जल में घुल जाती है, घुल जाती है तथा अशुद्धियाँ अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप अशुद्धि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाती है, बैठ जाती है जिन्हें तथा शुद्धियाँ, तथा यहाँ पर लिख सकते हैं तथा आयरन और सिलिका, सिलिका की अशुद्धियाँ, की अशुद्धियाँ, सिलिका, सिलिका की अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बैठ जाती हैं जिसे नीचे बैठ जाती हैं जिसे छान कर पृथक कर ली जाती हैं, पृथक कर ली जाती हैं, पृथक कर ली जाती हैं, क्या कर ली जाती हैं भाई, इसको पृथक कर ली जाती हैं, पृथक कर ली जाती हैं। अब घुलित अयस्क को, अब घुलित अयस्क या घुलित अयस्क, घुलित अयस्क, अयस्क को लेकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या जिससे एल्युमिना ऑक्साइड प्राप्त होती है, प्राप्त होती है जिसे सुखाकर धातु के ऑक्साइड अर्थात Al2O3 प्राप्त कर ली जाती है। ये इतना बड़ा कहानी है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि हाल विधि क्या होगा। तो हाल विधि के एक हमारा धातु ऑक्साइड के सांद्रण की विधि होता है, जिस विधि में क्या किया जाता है या जिस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब ऑक्साइड में आपका रेत का अर्थात सिलिका का और आयरन की क्या होती है, अशुद्धि क्या होती है, पाई जाती है। तो उस स्थिति में हाल विधि का उपयोग की जाती है। इस विधि में इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बॉक्साइट को बारीक क्या कर ली जाती है, पीस ली जाती है। पीसने के पश्चात उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर गर्म करके पिघलाई जाती है। Al2O3 उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण सोडियम कार्बोनेट जो होती है उसके साथ वो क्रिया कर लेती है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाती है और अशुद्धियाँ अवक्षेप के रूप में रह जाती है।
अब सोडियम मेटाइल्यूमिनेट को जल से धोने पर वो जल में घुल जाती है और आयरन और सिलिका की अशुद्धियाँ नीचे बैठ कर जाती है, जिसे छानकर पृथक कर ली जाती है। अब जो भी घुलित अयस्क होता है अर्थात सोडियम मेटाइल्यूमिनेट जो होता है उसको लेकर के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, जिससे आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और पानी के 2 अणु प्राप्त हो जाती है, जिसे सुखा करके आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त कर ली जाती है। ये आपका विधि हाल विधि के नाम से जानी जाती है। अब इसको कैसे करना है, Al2O3 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइड। इस बॉक्साइड को सबसे पहले हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, ये क्रिया करके आपका 2NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होती है, प्राप्त होती है। साथ में हमारे यहाँ से CO2 और साथ में वाटर के मालिकूल से क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाती है H2O, वो भी कितना अणु हमारा, 2 अणु। तो ये 2 अणु आपके बच जाती है आपका पानी H2O और साथ में हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है जो सोडियम आपका क्या मिला है, मेटा एल्यूमिनेट मिला है, इसको पानी के साथ, है ना, किसके साथ हमारा, पानी के साथ H2O धो देते हैं और उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो उस स्थिति में ये जो एल्युमिनियम होता है ये आपका प्लस चार्ज वाला होता है भाई, ये हमारा प्लस चार्ज होता है और ये पानी टूटता है तो H+ आयन और OH- आयन टूटता है। तो उस स्थिति में एल्युमिनियम और OH जो होता है ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरीका से यहाँ से क्या हो जाता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो उस स्थिति में अगर हम यहाँ पर कितना कर लेते हैं, अगर 2 कर देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर कितना हो जाता है आपका, 3 हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 दूनी कितना होता है हमारा, 6 होता है। और साथ में क्या हो जाता है, इधर आके क्या हो जाता है, Na पलट जाता है तो Na2 हो जाता है और एक हमारा एक ऑक्सीजन इसके साथ आकर के सोडियम कार्बोनेट पुनः क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब बैलेंस कर लो, एल्युमिनियम दो है, सोडियम दो है, कार्बन एक है। अब बात किसका कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 2 2 ने 4, 4 2 6 और 6 3 कितना है हमारा, 9 है। तो यहाँ पर 3 2 6 और 3 9 हो जाता है। तो ये हमको क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ है आपका मिला है, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं यहाँ पर गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या हो जाता है आपका, Al2O3 हो जाता है और साथ में आपका क्या हो जाता है, यहाँ से आपका H2O क्या हो जाता है, अलग से प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो ये हो जाता है आपका Al2, ये हो गया O3 और साथ में कितना हो जाता है, 3 2 6 अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका 2H2O ये क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो 3 2 6 अगर करते हैं तो इस स्थिति में आपका कितना हो गया हमारा, Al2 हो गया आपका। Al2 के बाद क्या हो जाता है हमारा, H2O अगर हम देखें तो H2O में कितना हो जाता है आपका, ये तो हो गया हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 2 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, 3 2 6। तो इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये हो जाता है आपका Al2O3 हो जाता है और साथ में हमारा क्या हो जाता है, 3H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो 3 2 6 हो गया, 2 के 2 हो गया, 3 2 6। इस तरीका से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एलुमिना जो होता है Al2O3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका हाल विधि कहलाता है, हाल विधि कहते हैं। चलिए एक और विधि है हमारा, या यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, जो बॉक्साइड होता है आप इसी को देख करके थ्योरी लिख सकते हैं भाई। तो ये हमारा क्या है, बॉक्साइड है, ये क्या है, बॉक्साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हाल विधि का प्रयोग तब करते हैं जब बॉक्साइड अयस्क में आपका रेत का और किसका होता है आपका, ये जो आयरन होता है उसका शुद्धि होता है, तब जा करके हम हाल विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो बॉक्साइड होता है जिसमें आपका रेत का और आयरन के शुद्धियाँ हैं उनको बारीक पीस लेते हैं, इसमें क्या मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं,
सोडियम क्या होता है, कार्बोनेट मिलाते हैं, इसके बाद उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, ये सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनाता है। अब जो सोडियम मेटाइल्यूमिनेट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ धोते हैं, तो सोडियम मेटाइल्यूमिनेट पानी के साथ घुल जाता है, अशुद्धियाँ नहीं घुलता है, जिसको अलग कर लिया जाता है। अब आगे जो हमारा क्या हुआ है, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उसको गर्म करते हैं तो हमको एल्युमिनिया के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, जिससे धातु प्राप्त करना बाद में क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। यही विधि आपका हाल विधि कहलाता है। तो ये कौन सा विधि हो गया, हाल विधि। चलिए एक और विधि हमारा दिया है, बेयर विधि। पहले भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए हैं, ये थोड़ा सा भी अलग है। ये जो बेयर विधि होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट के अयस्क होता है, उसके साथ जो लोहा होता है, आयरन होता है, उनकी क्या पाई जाती है, शुद्धियाँ पाई जाती है। इसके लिए क्या होता है, जो बॉक्साइट का जो अयस्क होता है, उस अयस्क को जो है बारीक पीस करके उसको जो है 473 से लेकर के 523 केल्विन ताप पर, 35-36 दाब पर, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या किया जाता है, जब जो है सांद्रित किया जाता है, पचित्र किया जाता है, ये निक्षालन विधि पर क्या होता है, आधारित होता है, है ना। तो वो जब इसको पचित्र किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उस स्थिति में हमको पुनः सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, जब उसको पानी के साथ क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, तो वो पानी के साथ घुल जाता है, अशुद्धियाँ अवक्षेप के रूप में बच जाता है पानी में नहीं घुलने की वजह से, जिसे छान के क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और फिर उसको जब सुखाया जाता है तो हमको एल्युमिनिया के ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, बेयर विधि कहलाता है। तो लिख सकते हैं इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में आयरन की अशुद्धि होती है, या अशुद्धियाँ होती है। इसे दूर करने के लिए बॉक्साइट को बारीक पीसकर इसे दूर करने के लिए बॉक्साइट को बारीक पीसकर पीसकर दो पीसकर 473 से लेकर के 523 केल्विन ताप पर 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ना पिघलाई जाती है, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होती है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ धोने पर वह घुल जाती है, है ना। सोडियम मेटा क्या हो जाती है, घुल जाती है, तथा लोहे के अशुद्धि या लोहे के अशुद्धियाँ अवक्षेप के रूप में
अवक्षेप के रूप में शेष बच जाती हैं, शेष बच जाती हैं, जिन्हें पृथक कर ली जाती हैं, जिन्हें पृथक कर ली जाती हैं, पृथक कर ली जाती हैं। अब जो है प्राप्त जो प्रोडक्ट है उसको सुखा करके पृथक कर ली जाती हैं तथा प्राप्त उत्पाद को सुखा कर एल्यूमिना ऑक्साइड प्राप्त कर ली जाती हैं। यह विधि निक्षालन पर आधारित होती हैं। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड का फार्मूला अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। बॉक्साइड के फार्मूला क्या होता है भाई, L2O3 होता है, साथ में दो अणु पानी का होता है। इसको हम क्या करते हैं, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो उस स्थिति में ये क्या प्राप्त होता है हमको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। तो इसका मात्रा हम लोग कितना लेते हैं, उस कंडीशन में हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2NaOH होता है, तो इस स्थिति में 2NaAlO2, जिसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, ये प्राप्त होती है। साथ में हमारा क्या होती है भाई, ये तो हो गया 2L, 2 सोडियम, 2 × 2 = 4 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2 × 3 = कितना हो गया हमारा, 5 है। तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल कितना हो जाता है हमारा, 3 मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हमारा जो क्या मिला है, हमारा सोडियम जो मेटा एल्यूमिनेट क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगर हम उसको H2O के साथ क्रिया करा देते हैं तो उस स्थिति में ये आपका पुनः AlOH3, जिसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। साथ में हमको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पुनः क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो बैलेंस हम लोग कर सकते हैं भाई, एल्युमिनियम इधर एक है, हाइड्रोजन थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर क्या है हमारा, 4 है। तो इसको अगर हम 2 कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, ये तो 4 हो गया हमारा। ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 3 × 1 = 4, ये क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एल्युमिनिया हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको अगर हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं तो हमको L2O3 और साथ में क्या हो जाता है आपका, 3H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको सुखा दिया, तो ये हो गया आपका H2O। तो इस स्थिति में इसका हम लोग 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, तो ये एल्युमिना ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये जो बेयर विधि होता है, उसका विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइड में क्या होता है, आयरन की अशुद्धि होता है। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए आयरन को क्या किया जाता है, बारीक पीस करके उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने से क्या होता है हमारा, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी में जब क्या किया जाता है, धोया जाता है, तो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पानी में घुल करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अशुद्धियाँ नहीं घुलने की वजह से अवक्षेप के रूप में रहता है, उनको पृथक कर दिया जाता है। बाद में हमारा क्या होता है, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको सुखा करके एल्युमिना ऑक्साइड अर्थात Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। यही विधि आपका क्या कहलाता है, बेयर विधि कहलाता है, बेयर विधि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और विधि। चलिए एक और विधि हम देखते हैं। ये जितना भी हम विधि देख रहे हैं वो आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पेपर में पूछ सकता है भाई, इसको ध्यान में रखना है। एक दिया है हमारा सरपेक विधि। ये जो सरपेक विधि होता है,
इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब बॉक्साइट के जो अयस्क होता है उसमें रेत का क्या होता है अशुद्धियाँ पाई जाती है, तब जाकर के उस रेत के शुद्धियों को दूर करने के लिए सर्पेक विधि का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो बॉक्साइड अयस्क होता है उसको बारीक पीस करके उसमें कार्बन के चूर्ण मिला करके उनको 1800 डिग्री ताप पर गर्म की जाती है, साथ ही साथ उसी स्थिति में उसमें नाइट्रोजन गैस भी प्रवाहित की जाती है जिससे वहाँ से आपको एलुमिना या एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होती है, जिसका आगे अगर उसको पानी के साथ क्रिया करा देने से हमारी क्या हो जाती है वो एल्युमिना नाइट्राइड जो होती है वो पानी के साथ घुल जाती है और अशुद्धियाँ अवक्षेप के रूप में क्या कर ली जाती है पृथक कर ली जाती है और फिर आगे उस अवक्षेप को सुखा करके जो है आगे एल्युमिना ऑक्साइड क्या कर ली जाती है प्राप्त कर ली जाती है। तो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि इस विधि का उपयोग तब की जाती है जब बॉक्साइड में SiO2 रेत की जब बॉक्साइड में किसकी भाई रेत की अशुद्धियाँ होती है सिलिका की अशुद्धियाँ होती हैं इसे दूर करने के लिए बॉक्साइड अयस्क को बारीक पीस कर उसमें कार्बन के चूर्ण मिलाकर 1800 टेम्परेचर पर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म की जाती है और उसी दौरान उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जिससे एल्युमिनियम के नाइट्राइट प्राप्त होती हैं जो जल में घुलनशील होती है होती हैं और रेत की अशुद्धि अवक्षेप के रूप में बच जाती हैं जिसे छान कर पृथक कर ली जाती हैं। यह विधि सर्पेक विधि कहलाती है। तो ये सर्पेक विधि कहलाती है भाई। तो इस तरीका से सर्पेक विधि को बताई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं Al2O3 साथ में 2H2O। अब उसमें हम लोग कौन सा गैस नाइट्रोजन गैस करते हैं और कार्बन लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग
कार्बन लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाता है Al2O3 बॉक्साइड होता है, साथ में N2 गैस और ये कार्बन लेते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, ये दो N और दो L ये मिल करके बनाता है अल्मोनियम नाइट्राइड और 3 ठो कार्बन मोनोक्साइड यहाँ से निकल जाता है। इसको बोलते हैं अल्मोनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइट। ठीक है, तो ये दो एल्युमिनियम दो नाइट्राइड के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं। अब ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है ये हमारा H2O के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के पश्चात ये हमारा पहले जैसा AlOH है ना 3, तो ये 3 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। उस स्थिति में ये हमारा एक NH3 बना लेता है जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बचा है इसकी अगर हम बात करें तो ये बाद में क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में आपको Al2O3 और साथ में आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर 2 करें तो ये 3 × 6 जो है आपका 3H2O प्राप्त हो जाता है, और इस तरीका से आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है भाई। तो इस तरीका से जो विधियां हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जितना भी विधि हम लोग पढ़े हैं वो आपको क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, तैयारी करना है। तो आज का जो क्लास है फिलहाल हम उसको क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाला जो वीडियो है शायद उस क्लास में आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो सकता है, या 2 वीडियो में तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।